गाय की हिंदू धर्म में एक काफी महत्वपूर्ण जगह है। गाय को हम लोग भगवान का स्थान देते हैं। सारे 33 करोड़ जो देवी देवता हैं, उन्हें गाय में ही देख लिया जाता है। गौमूत्र की बात करें, चाहे गोबर की बात करें, हर चीज को इतना शुद्ध माना गया है जिसके बारे में मुझे आपको विस्तार से बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि घर की जो जमीन होती है उस पर गोबर पोतने के लिए क्यों कहा जाता है? दीवारों पर गोबर लगाने की जो प्रथा है वो क्यों चली आ रही है? और किसी भी पूजा पाठ के पहले जमीन पर जब कहीं आप गोबर लगाने की प्रक्रिया देखते हैं कि जमीन पे पहले गोबर लगाया जाता है, तो गोबर में ऐसा क्या है जो उसी पूजा से पहले भी इस्तेमाल किया जाता है? नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान अड्डा में, जो कि लाइव सिटीज का एक खास कार्यक्रम है और मैं हूँ आपके साथ सौम्य राठी। ज्ञान अड्डा के तर्क और वितर्क के सिलसिले में आज हमने मुद्दा उठाया है कि गाय का जो गोबर होता है उसे इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है, उसे इतना ज्यादा शुद्ध क्यों माना गया है? क्या गाय के गोबर में ऐसी कोई खास जादुई शक्तियां हैं जो हर चीज को किसी चमत्कार की तरह ठीक कर देती है, या फिर उसके पीछे भी कोई सटीक सा लॉजिक है? अब आप ज्ञान अड्डा रेगुलरली देखते ही हैं तो आपको पता है कि बात ऑब्वियसली लॉजिक ही होने वाली है। तो चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कि जो लॉजिक है वो आखिर है क्या। आपको बताते चले कि फिर वही हमारे पूर्वज और उनकी समझदारी की बात हो रही। पहले के जमाने में डिसइंफेक्टेंट्स नहीं हुआ करते थे, ऐसी कोई दवाइयां नहीं थी जिससे आप कीड़ों मकौड़ों को दूर भगा सकते थे या फिर छिपकली या किसी और रेप्टाइल को अपने घर में जगह बनाने से रोक सकते थे। लेकिन उन चीजों का, उन कीड़ों का उस वक्त ज्यादा ही घूमना फिरना होता था जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। ऐसे में ये देखा गया कि गाय का जो गोबर था, छिपकली या कोई भी कीड़ा मकौड़ा जो होता था वो उससे दूर भागता था। वजह ये क्योंकि गाय के गोबर से जो बदबू निकलती है वो असहनीय हो जाती है और वो काफी ज्यादा रिपेलेंट होती है। वो उनसे कीड़े मकौड़े, छिपकली जैसे जानवर दूर भागते हैं। इसीलिए जहां कहीं भी गोबर फैला दिया जाता था वहां ये कीड़े मकौड़े और छिपकली जैसे जानवर दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। जब हमारे पूर्वजों ने इस चीज को देखा, इस चीज को नोटिस किया, तब उन्होंने इस चीज की शुरुआत की कि घर की जो जमीन होती थी, जो दीवारें होती थी, उन पर भी गोबर लेप दिया जाता था, उन पर भी गोबर फैला फैला कर लगा दिया जाता था ताकि घर की हर एक दीवार, हर एक कोना जो है वो ऐसे कीड़े मकौड़ों से, छिपकली या ऐसे कोई भी जो जानवर होते हैं जिनसे नुकसान होता है, छोटी छोटी चीज जिनसे डर लगता है, वैसे कीड़े मकौड़े जो हों वो घर में ना नजर आए। क्योंकि उस वक्त डिसइंफेक्टेंट्स नहीं हुआ करते थे, उस वक्त इंसेक्ट रिपेलेंट्स नहीं हुआ करते थे, इसीलिए गोबर को उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से वो कीड़े मकौड़ों को दूर रखता है, उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। और वक्त के साथ इस चीज़ को देखा जाने लगा कि जहाँ गोबर रहता है, जहाँ जिन जमीन पर गोबर लगा दिया जाता है, कीड़े मकौड़े ना होने की वजह से वो जगह साफ सुथरी और ज़्यादा रहती है, वहाँ पर कीड़े नहीं आते हैं और वहाँ पर जो है छिपकलियाँ भी कम परेशान करती हैं। वक्त के साथ लोग इस लॉजिक को भूल गए, लोग ये नज़रअंदाज करते हुए चले गए कि ज़माने के साथ साथ अब डिसइंफेक्टेंट्स भी आने लगे हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी आने लगे हैं और घर में पेस्ट कंट्रोल भी होने लगा है जिसकी मदद से ऐसे कीड़े मकौड़ों को, छिपकलियों को दूर रखा जा सकता है। और गोबर को बस उसकी शुद्धता के साथ जोड़ दिया गया और गोबर को एक अहम स्थान दे दिया गया हमारे धर्म में, जहाँ किसी भी पूजा पाठ के पहले ज़मीन पर गोबर लेप दिया जाता है, किसी भी ज़रूरी काम से पहले, ऐसे पूजा के पहले गोबर से ज़मीन को सजाया जाता है और उसी के ऊपर अक्सर पूजा भी की जाती है। तो कहीं हम देखते हैं कि गोबर से जगह को साफ कर फिर उस जगह को फिर से गंगा जल या सादे पानी से उसे साफ कर फिर वहाँ पूजा पाठ की जाती है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप ये समझ पाए होंगे कि गोबर की जो मान्यता है हमारे धर्म में वो इतनी ज़्यादा क्यों है, गोबर को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया गया है, क्यों से हर पूजा पाठ के पहले जमीन पर लगाया जाता है और ऐसी चीजें देखी जाती है। बहुत जल्द ही मुलाकात होगी ज्ञान अड्डा के अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी दिलचस्प मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे भी शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि ज्ञान अड्डा में आप और किन विषयों पर वीडियोस देखना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप YouTube पर भी लाइव सिटीज को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।